हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 111. मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष. कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो गाइस. सो आज की जो रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रीडिंग होने वाली है गाइस, बिकॉज आज जो है डबल कैंडल मैजिक रीडिंग होने वाली है आपके लिए. और आज हम देखेंगे कि आपकी और आपके पर्सन की, अभी आपके पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर कोई भी स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है. तो हम उनकी फीलिंग्स देखेंगे, आपकी फीलिंग्स देखेंगे, और हम देखेंगे कि इमीडिएट फ्यूचर आपके कनेक्शन का क्या होगा. ठीक है, क्योंकि ये कैंडल मैजिक रीडिंग होने वाली है. ठीक है, डबल कैंडल मैजिक, तो इसमें जो है आप अपने विशेष भी मांग सकते हैं. ठीक है, जब मैं शुरू करूँ तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रीडिंग होने वाली है गाइस. अगर आप जुड़े हुए हैं तो एंड तक ज़रूर जुड़िएगा, ताकि आप जो है क्लेम कर पाएँ. ओके, और ताकि जो है आप रिसीव कर पाएँ अपने विशेष को रियलिटी में. बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें. और ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा. जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं. बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें. और पेड पर्सनल रीडिंग ओपन हो चुकी है, 2 डेज के लिए अभी ओपन रहेगी. तो आप मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करें, इंस्टा में कॉन्टैक्ट करें, आपकी बुकिंग हो जाएगी. ठीक है, तो अभी 2 डेज के लिए सिर्फ मैं स्लॉट्स ओपन कर रही हूँ, तो लिमिटेड स्लॉट्स रहेंगे. सो अगर आप करवाना चाहते हो और आपने बहुत पहले मैसेज भेज कर रखा हुआ है, तो मैं आई विल सजेस्ट यू कि फिर से मैसेज कीजिए. ठीक है, ताकि आप आपको मैं देखूँ. ओके, ताकि विजिबल हो. ठीक है, तो अगर आपने पहले मैसेज भेज कर रखा है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला या कुछ है, तो फिर से मैसेज भेजिए. सो बुकिंग्स के लिए जो नंबर आपको वीडियो में दिख रहा है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मैसेज करें, कॉल ना करें, बिकॉज कॉल्स आर नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल. ठीक है, तो आप मैसेज कर दीजिए, पिंग कर दीजिए, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, और आपकी बुकिंग्स हो जाएगी अगर स्लॉट्स अवेलेबल रही तो. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट. तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. तो मुझे थोड़ा सा वक्त दें और मैं स्टार्ट करती हूँ. ओके, सो ये बर्न हो रहा है. तो आप लोगों की जो भी विश है, सबसे पहले उस विश को मांग लीजिए. ठीक है, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, इस फ्लेम पे फोकस करें. जो भी विश है आपकी, जो भी इच्छा है, उसे आप मांग लीजिए. ओके, आई होप आपने विश मांग लिया होगा. तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं. तो लेट स्टार्ट. ओके, सो देखिए, सबसे पहले मैं आपके बारे में बात करना चाहूँगी कि आपकी फीलिंग्स में मुझे बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट दिख रहा है. मुझे लग रहा है कि खालीपन, या फिर रोना धोना, या फिर एक ही जगह बैठे रहना, कुछ भी करने का मन ना होना, एक तड़प, वो सारी एनर्जी आपके दिलो दिमाग में नहीं है इस वक्त. आपकी एनर्जी में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट वाली है, मतलब जहाँ पर
आप यू नो अपना काम भी कर रहे हो, आप हो सकता है फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ओके और बहुत ज़्यादा यू नो सीरियस होकर मतलब अपने लव लाइफ में ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा यू नो उसमें ही कंसंट्रेटेड नहीं हो रहे हो. तो अब मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल है, ठीक है. मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के बारे में करंटली सोच रहे हो, याद भी कर रहे हो, लेकिन उसमें एक यू नो आपकी जो फीलिंग्स है वो आपके ऊपर हावी नहीं हो रही है करंटली, ठीक है. करंटली तड़प नहीं है कि अगर कॉल मैसेज नहीं आएगा तो क्या होगा, ठीक है, या फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कुछ नहीं करना चाहता, कुछ नहीं करनी चाहती, तो ये सब एनर्जी आपकी नहीं है. मुझे लग रहा है कि करंटली आप बहुत स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं और करंटली आप यू नो अपने लव लाइफ को एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ देख रहे हो, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि बाकी चीज़ों को करना भी नेसेसरी है, ठीक है, बाकी चीज़ों में ध्यान देना भी इंपॉर्टेंट है. तो आप याद तो कर रहे हो अपने पर्सन को, या फिर आपकी फीलिंग्स अच्छी है. मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यू नो आप ऑप्टिमिस्टिक भी हो, आपकी विशेस भी हैं और आपको एक होप भी है कि काश ये हो काश वो हो, लेकिन उसमें ना एक अटैचमेंट नहीं है, एक डिस्परेंट वाली एनर्जी नहीं है आपके अंदर, ठीक है. तो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है. और अगर आपके पर्सन की मैं बात करूँ तो आपके पर्सन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स भी बहुत अच्छी है इस वक्त, लेकिन अपने लाइफ में अपने फिजिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, यानी कि यू नो काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, टाइम पे हो सकता है उठ नहीं पा रहे हो, टाइम पे खाना नहीं खा पा रहे हैं, ठीक है, या फिर जिस तरीके से अपने रूटीन शेड्यूल को फॉलो करना चाहते हैं वो सारे नहीं कर पा रहे. तो इनकी खुद की लाइफ जो है बहुत स्कैटर्ड है. लेकिन अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपकी लाइफ मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, मज़े की चल रही है, यू नो इन जनरल मतलब ठीक ठाक चल रही है. तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के 3D सिचुएशंस बहुत अलग हैं. आपकी लाइफ बहुत हद तक स्टेबल है तो आपकी पर्सन की बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है यहाँ पर, ओके. आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे लग रहा है कि बहुत ही हाई लेवल का पैशन मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको देखा है, ठीक है. रिसेंटली अगर आपने कोई पिक्चर अपलोड किया है या फिर आप कहीं गए थे बाहर, तो बाहर से हो सकता है इस पर्सन ने आपको देखा है कहीं, तो कहीं ना कहीं से इस पर्सन ने आपको देखा है, ठीक है. और अगर नहीं भी देखा है तो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट वाली. तो हो सकता है कि इन्होंने रिसेंटली ड्रीम देखा है और ड्रीम में हो सकता है इन्होंने देखा है कि आप यू नो बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो या बहुत अच्छी तरीके से ग्रूमिंग करके मिल रहे हो इनसे. तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकता है इन्होंने ड्रीम्स में भी देखी हैं रिसेंटली. तो इन्हें ना बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड यू नो एक अट्रैक्शन जो एक होता है ना पुल, खिंचाव, उससे बात करने की चाह, उसको देखने की चाह, ठीक है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने की चाह, उसको छूने की चाह, ठीक है, उसके साथ पल बिताने की चाह, ये वाली जो चाह है आपके पर्सन की करंटली मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रही है, ओके. और मुझे लगता है कि आप दोनों इस वक्त ना सेम पेज पर हो, ठीक है, फीलिंग्स को लेकर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके अंदर होप्स हैं अपने पर्सन को लेकर. आपको ऐसा लगता है मतलब आप कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग करते हो, ठीक है, कि काश आप उनके साथ होते, काश आप यहाँ पर घूम रहे होते, काश आप दोनों यू नो इस तरीके से स्पेंड कर रहे होते, काश आप दोनों साथ में पूजा कर पाते. सेम आपके पर्सन की भी दिलो दिमाग में चल रहा है कि काश आप दोनों यू नो साथ में रहते, काश आप दोनों साथ में फास्ट कर पाते, काश आप दोनों यू नो पूजा वगैरह में जा पाते, ओके. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ लाइफ में, 3D लाइफ में आप दोनों बहुत बहुत अलग अलग स्टेट पर हो, लेकिन मेंटली एंड इमोशनली आप दोनों एक ही लेवल पर हो और सिमिलर सोच है बहुत एक दूसरे की, ठीक है. तो मुझे लग रहा है करेंटली आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, करेंटली आपके पर्सन यू नो डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं कि काश आप यहाँ होते वहाँ होते ये करते वो करते, या फिर अगर आपने कोई प्लान कर रखा था तो वो सारी मेमोरीज इनको याद आ रही है कि यार काश ये हो जाता अभी, काश ये कर रहे होते. तो आपकी भी मुझे लग रहा है कि बहुत सिमिलर चल रही है. तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि सेम पेज पर हैं आप दोनों फीलिंग्स के मामले में. तो जैसा फील आप उनके लिए कर रहे हो ना, वो भी वैसा ही लगभग सिमिलर आपके लिए फील कर रहे हैं. तो अगर आपको यू नो कोई एक विश आपके मन में जागी कि मुझे शायद इस टाइम पे मैं इस पर्सन के साथ ये कर पाता ये कर पाती, तो सेम आपके पर्सन को भी वैसा महसूस हो रहा है, ठीक है. तो ये एनर्जी दिख रही है क्योंकि एक फ्लो नज़र आ रहा है आप दोनों के इमोशंस में. ऐसा नहीं है कि आप रो रहे हो तड़प रहे हो तो वो यू नो मज़े में है, उनको कुछ फील ही नहीं हो रहा है, ठीक है, वो याद तक नहीं कर रहे आपको, नहीं, फ्लो नज़र आ रहा है कि जैसा आप फील कर रहे हो वैसा वो भी फील कर रहे हैं, ठीक है. एक स्मूथनेस मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, कोई भी फीलिंग्स में स्टेगनेंसी नेगेटिविटी अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं है करंटली. इतना ज़्यादा स्मूथनेस नज़र आ रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, तो चांसेस हैं कि कुछ घंटों के अंदर, एक दो घंटों के अंदर, या फिर यू नो 12-14 घंटों के अंदर हो सकते हैं इस पर्सन का कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो, इस पर्सन का वीडियो कॉल आपको रिसीव हो, या फिर ये पर्सन आपसे मिलने आए, या फिर फ्रेंड्स के थ्रू इन्होंने कोई आपको मैसेज भेजा, ठीक है. तो ये सारी तमाम चीज़ें यहाँ पर होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं गाइस, ठीक है. लेट मी टेल यू दिस थिंग, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर कि यू नो आपकी यूनियन भी हो सकती है, यू नेवर नो. क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत स्मूथ एनर्जीज दिख रही है जहाँ पर आप दोनों की फीलिंग्स एकदम यू नो एक दूसरे को पाने वाली है कि मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए. तो जब दोनों की ही एनर्जी ऐसी है तो फिर अब बीच में आप कौन रोक पाएगा आप दोनों को, मुझे बताइए, ठीक है. तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है. सो अगर अभी नो कॉन्टैक्ट है
अभी अगर सेपरेशन है सो डोंट वरी अबाउट इट. डेफिनेटली मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए एक दो घंटे के अंदर इस पर्सन का कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, ठीक है. एक दो घंटे के अंदर आपकी सिचुएशन ठीक हो सकती है, या फिर यू नो एक दिन के अंदर अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठीक हो सकती है, ठीक है. और एक मुझे यहाँ पर चीज़ देखना है, ठीक है, मैं आपको नोटिस करके बताती हूँ. तो देखिए आप दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है. मतलब ऐसा वैसा बॉन्ड नहीं है कि कोई भी अचानक से तोड़ दे, कोई भी झगड़ा उस चीज़ को तोड़ दे, ठीक है, या फिर कोई डिसीजन उस चीज़ को तोड़ दे, ठीक है. अगर आप दोनों अलग भी होना चाहोगे ना, लेकिन आप दोनों की अटैचमेंट, आप दोनों की फीलिंग्स, आप दोनों के इमोशंस, आप दोनों का प्यार वहीं पर रहेगा, ठीक है. भले आप दोनों हो सकते हैं लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, किसी और के साथ मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, लेकिन आप दोनों का बॉन्ड जो है ना, मुझे एक इटर्नल बॉन्ड वाली नज़र आ रही है. मतलब आप दोनों के प्यार में ऐसा एक यू नो एक वो नहीं है, एक नीड नहीं है, ठीक है. मतलब चीज़ें होती है ना कंडीशनल वाली, वो कंडीशंस वाली जो प्यार है ना, वो आप दोनों की बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है. तो बहुत क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों के रिश्ते का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है. सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप यू नो आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, थर्ड पार्टी आ गई है, ठीक है, बातचीत बंद है, क्योंकि आप दोनों के बॉन्ड को कोई नहीं तोड़ सकता. हो सकता है कि आप दोनों बात बंद कर दो, बात करो ही ना, ब्लॉक भी कर दो, लेकिन आप दोनों का जो दिल है ना वो एक दूसरे के लिए धड़केगा. ऐसी वाली एनर्जी है जो कि अभी भी हो रही है, पास्ट में भी हुई है और आगे आने वाले वक्त पर भी होगी. तो बात बहुत जल्द होगी. अगर बात नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम है तो सॉल्व होगी, बिकॉज आप दोनों का बॉन्ड बना ही हुआ है, उसको कोई तोड़ा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप ह्यूमन है, ठीक है. तो आपको ऐसा लग सकता है कि जब बात नहीं हो रही है, जब मिल नहीं रहे हैं, जब साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है, रिश्ते का. फिर रिश्ता तो फिर तो कुछ हुआ ही नहीं. लेकिन रियलिटी में स्पिरिचुअली आप दोनों बहुत कनेक्टेड हैं, और जब कोई स्पिरिचुअली कनेक्ट होता है, सो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो तो बार बार यू नो मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, बात करने की ज़रूरत नहीं है, और बिना बात किए भी आप दोनों एक दूसरे के सिचुएशन को फील कर पाते हो, एक दूसरे को फील कर पाते हो. तो स्पिरिचुअली आप दोनों कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यू नो अगर बात भी नहीं भी होती है ना, तो वो एक खालीपन या फिर एकदम एक दरार वाली या फिर यू नो ऐसी अजीब वाली फील नहीं आती. आपको लगता है कि नहीं, फिर भी वो आपके साथ हैं, फिर भी आप उन्हें महसूस कर पा रहे हो, फिर भी आप उन्हें उनके फीलिंग्स को समझ पा रहे हो. सेम आपके पर्सन भी फील करते हैं. तो करंट फीलिंग्स मुझे एक दूसरे की बहुत ही अमेजिंग एंड अच्छी दिख रही है, ठीक है. तो मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ. तो हम कुछ चैनल मैसेजेस भी देख लेंगे, ओके. तो चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन के तरफ से आपके लिए. सो लेट्स सी. तो चलिए देख लेते हैं कुछ चैनल मैसेजेस. वी हैव माय ईगो एंड प्राइड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग फीलिंग गिल्टी. तो इस पर्सन को शायद एहसास हो चुका है कि इनकी ईगो ने, ठीक है, बहुत कुछ बर्बाद कर दिया, और जिस चीज़ को यू नो यूर सेल्फ रेस्पेक्ट समझ रहे थे वो उनकी ईगो थी, और अभी वो बहुत ज़्यादा यू नो पछतावे में है अगर उन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया. मैं ऐसे जी जी कर परेशान हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, आई वॉन्ट टू कम बैक लव. तो ये इंसान यू नो आपसे दूर रहकर, आपसे बिना बात किए या फिर ऐसे प्रिटेंड करके कि वो आपके बगैर खुश हैं, इस तरीके से जी जी कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं. अब आपके पर्सन जो है आपके तरफ वापस आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका प्यार सिर्फ आप हैं, ठीक है. तो इस पर्सन को मुझे लगता है कि ये इंसान थोड़े से प्राइडफुल है, मतलब कि घमंडी काइंड ऑफ, मतलब लोगों के सामने एक्सप्रेस करना, शो करना इनको पसंद नहीं है अपनी कमजोरियों को. आई वॉन्ट टू फीड यू लाइक अ बेबी, वॉन्ट टू कुक माई फेवरेट डिश विथ यू. तो ये पर्सन हो सकता है कि आपको खिलाना चाहते हैं, ठीक है. हो सकता है ये खाना, इनको खाना बनाने का शौक हो, या फिर बहुत अच्छा अच्छा बनाते हो ये खाना, या फिर इन जनरल ये इंसान ना ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं कुछ एक्टिविटीज़ करके, ओके. और ये इंसान आपको पैम्पर करना चाहते हैं, ये आपको फील करवाना चाहते हैं करेंटली कि कितना ज़्यादा यू नो आपकी केयर करते हैं, और ये जब किसी को प्यार करते हैं तो ये कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है. तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि इनको कभी भी मौका नहीं मिला आपको उस तरीके से ट्रीट करने का जैसा इनके दिलो दिमाग में है कि जो मेरी लवर होगी या होगा उसे मैं इस तरीके से ट्रीट करने वाला हूँ. तो हो सकता है इनको वो मौका उतने अच्छे तरीके से कभी भी मिला नहीं. तो अभी इंसान आपके साथ वो सारी चीज़ों को यू नो करना चाहते हैं. देन वी हैव तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तुम्हारा साथ ही मेरी ज़िंदगी है. तो यस, डेफिनेटली आपका साथ उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है. चाहे कुछ भी हो जाए, ये इंसान आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आपकी इंपॉर्टेंस उनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है. और वो किसी भी हाल पर यू नो आपको भुला नहीं सकते, आपको जाने नहीं दे सकते.
तो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स हैं गाइस करंट की, लेट मी टेल यू, प्लीज़ टॉक टू मी, आई नो दैट यू वॉन्ट दैट टू। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर बातचीत आपकी बंद है तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं महसूस होता रहता है कि आप भी उनके साथ बात करना चाहते हो, लेकिन हो सकता है दोनों ही, आप दोनों बहुत इगोइस्टिक हो, आपको लगता है कि मुझे मैसेज नहीं करना, उनको लगता है मुझे मैसेज नहीं करना, और यू नो अगर उन्होंने आपको मैसेज किया तो आप हो सकता है कि थोड़े से यू नो ज़्यादा ही ईगो में आ जाओगे कि ओ हो फाइनली यू टेक्स्टेड मी। और सेम जब आप करोगे तो उनको ऐसा लगेगा कि अरे अब मेरी बारी है इग्नोर करने की, ठीक है अब मैं तड़ पाऊंगा। तो मतलब ऐसी वाली एनर्जी आप दोनों की रहती है गाइस, ओके सो दोनों आप दोनों ही बदमाश हो, ओके सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। और आपने क्या विश मांगा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि जल्द से जल्द आपकी विश पूरी हो पाए, ओके और मैं तो आप सबके लिए हमेशा प्रे करती हूँ, ठीक है हमेशा मेरी प्रेयर्स आप लोगों के लिए बनी रहती है, और आप लोग विश भी लिखिए ताकि मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ लूँ और उसके हिसाब से मैं आप लोगों के लिए प्रेयर्स भी कर पाऊँ, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।